अब तक आपने काला जठेरी के बारे में ही सुना है, लेकिन आज हम आपको जठेरी गैंग के नए लीडर काला राणा के बारे में बताना चाहेंगे, जो जुर्म के मामले में जठेरी का भी बाप है। और इसके टशन के बारे में आप सुनेंगे तो सकते में आ जाएंगे कि कैसे एक गैंगस्टर के इतने हाईफाई शौक हैं और वो कितना रंगीन मिजाज है। आज हम आपको काला राणा के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। अभी तक आपने दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर काला जठेरी का ही टशन देखा था, लेकिन अब काला जठेरी की गिरफ्तारी के बाद काला राणा की दुनिया देखिए। काला राणा जुर्म की दुनिया का वो नाम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में है। खासकर दिल्ली के पुलिस वालों को उसकी सबसे ज्यादा तलब है, क्योंकि काला जठेरी के बाद यही वो नाम है जो उसका खासम खास है और उसके काले साम्राज्य का वारिस है। और काला राणा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जठेरी की तरह फर्जीवाड़े में नहीं, बल्कि सचमुच हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कानूनी हदों से दूर बैंकॉक या फिर कनाडा में बैठा है। ये काला राणा अब दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका है, क्योंकि पुलिस को यकीन है कि काला जठेरी की गिरफ्तारी के बाद ये काला राणा ही है जो उसकी जुर्म की सल्तनत को अपने खुफिया ठिकानों से ऑपरेट करने की कोशिश करेगा। आखिर जठेरी के जाने के बाद इस गैंग को भी एक नए लीडर की तलाश थी, जो काला राणा पे आके खत्म हुई है। बताना चाहेंगे, काला राणा काफी रंगीन मिजाज है, उसे पार्टियां करने का बेहद शौक है। काला राणा की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिसमें वह विदेशी लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहा है। अपने स्टाइलिश लुक और अपनी पर्सनैलिटी के लिए जाने जाने वाले राणा को एक बार देखने पर कोई भी नहीं कह सकता कि इस पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं और ये बेहद कुख्यात है। सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ और दबंगई दिखाते हुए इसकी कई फोटो और वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। बताना चाहेंगे, काला राणा को दिन में जुर्म और रात में लड़कियों के साथ पार्टी करने में बेहद मजा आता है। लेकिन पुलिस भी कुछ कम नहीं है। बता दें, दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैंकॉक में बैठे काला राणा को भारत लाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एजेंसियों को अभी कामयाबी हाथ नहीं मिली है।